कॉमन पोटेंशियल। कल वैसे तो हमने करवा दिया था कॉमन पोटेंशियल, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा लेते हैं और एनर्जी लॉस करवाते हैं। आज ये दोनों टॉपिक होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि एनर्जी स्टोर्ड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, तो आप कहोगे सर एनर्जी स्टोर्ड इंटरेस्ट का फार्मूला है इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c हाफ cv स्क्वायर और हाफ qv। ये सभी फार्मूले की इसकी एनर्जी स्टोर्ड। बात करते हैं हम कॉमन पोटेंशियल। भाई हमारे पास दो कंडक्टर हैं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और भाई इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी है C2, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V1। चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या है अलग। अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं, थोड़ा स्पीड से करवाऊं कर मैंने करवा दी, अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं तो क्या हुआ, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर में फ्लो हो जाएगा, और कब रुक जाएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर मैंने एग्जांपल दिया था पानी की टंकी वाला, कब रुक जाएगा जब दोनों का लेवल सेम हो जाए, V। दिस इज कॉमन पोटेंशियल, दिस इज कॉमन पोटेंशियल, क्लियर। चलो अब कॉमन पोटेंशियल आपको निकालना, तो कैसे निकाला था कि जी पहले चार्ज देख लिया था कितना है और बाद में चार्ज देख लिया कितना है। भाई पहले चार्ज मान लिया फर्स्ट का निकाले तो क्यू वन, क्यू क्या होता है सीवी, क्यू क्या होता है सीवी, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म। तो पहले का चार्ज कितना हो गया, दिस इज सी वन वी वन, क्यू टू क्या हो जाएगा सी टू वी टू। अब तक आपने कनेक्शन नहीं किया है ना ही कॉमन पोटेंशियल आया है, और टोटल चार्ज के जो जुड़ जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू क्यू, टोटल चार्ज क्यू क्यू वन प्लस क्यू टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू। अब आपने किसी कंडक्टर से हो गया कर दिया कनेक्ट, और चार्ज हायर पोटेंशियल से कहां पर होगा लोअर में, और एक कॉमन पोटेंशियल आ गया वी। अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, इसको क्या बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो चार्ज कितना हो गया हमें क्यू, भाई पहले का तो चार्ज हो गया क्या, वो क्या होता है सीवी सी वन वी, दिस इज सी वन वी, प्लस दूसरे का कितना हो गया क्यू टू सी टू वी, ठीक है। और यहां से v तो कॉमन ले लो, दिस इज c1 प्लस c2v। ये तो है चार्ज बिफोर शेयरिंग, शेयर नहीं किया एक दूसरे के साथ, अपना अपना अलग अलग चार्ज है। ये क्या चार्ज आफ्टर शेयरिंग, तो चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू क्या होना चाहिए चार्ज आफ्टर शेयरिंग, क्योंकि चार्ज का कहीं भी लॉस नहीं हुआ है, चार्ज सिर्फ एक से दूसरे पे क्या हुआ है ट्रांसफर, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में। तो बाद वाला कितना हो गया, दिस इज c1 प्लस c2 इनटू v माइनस v, सॉरी इज इक्वल टू, क्योंकि बराबर है आप लिख लेना एक लाइन यहां पर, चार्ज दिस इज चार्ज चार्ज आफ्टर शेयरिंग इज इक्वल टू चार्ज बिफोर शेयरिंग। तो चार्ज आफ्टर शेयरिंग कितना है c1 प्लस c2 इनटू v, बिफोर शेयरिंग कितना है c1 v1 प्लस c2 v2, ठीक है। आपने कॉमन पोटेंशियल निकालना है v, तो v क्या हो गया आपका c1 v1 प्लस c2 v2 डिवाइड बाई आ जाएगा ये c1 प्लस c2। ये है जी आपका कॉमन पोटेंशियल v। कल हमने ये करवा दिया था कॉमन पोटेंशियल आपका निकलवा दिया, ठीक है। तो अब है एनर्जी लॉस टॉपिक, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी लॉस भी, एनर्जी लॉस। ध्यान से सुनो आप, इसी से रिलेटेड टॉपिक है भाई। चार्ज शेयर हुआ है एक कंडक्टर से दूसरे पे चला, ठीक है। चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ, चार्ज जितना पहले था बाद में उतना ही था, लेकिन किस
इसका लॉस हुआ है एनर्जी का। क्यों कैसे हुआ है? क्योंकि भाई जब आपका चार्ज यहाँ से आ गया तो कुछ एनर्जी हीटिंग इफेक्ट में भी खर्च हो गई, इसमें खर्च हो गई हीटिंग इफेक्ट में, और उसकी वजह से एनर्जी का क्या हुआ है लॉस, और वो आपने निकालना है। कैसे निकालेंगे एनर्जी लॉस? बड़ा इजी है, कैसे निकालते हैं? अब मैं एक काम करूँ भाई, ठीक है आपको घर वाले पैसे दे रहे हैं, आपको बाजार जाना है ठीक है, या फिर आपको मेले में जाना है, घर वाले आपको 100 रुपये दे लो ठीक, तो आप वहां पर कितने खर्च करके आए हो, कितना लॉस करके आए हो, कैसे निकलेगा? ये ऐसे निकलेगा कि जितने आपको दिए थे इनिशियल में 100 माइनस जितने आप बचा के लाए हो, क्लियर है? यानी कि 100 और माइनस में आप मान लिया 40 रुपीज बचा के लाए हो, तो 100 माइनस में 40 कितने का लॉस हुआ? 60 का, क्लियर है? तो यहां पर एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे भाई? जितनी एनर्जी पहले थी माइनस में जितनी एनर्जी बाद में रहेगी। पढ़ाई इजी है, कोई खास बात नहीं। ये टॉपिक कंप्लीटली आप करवाओगे, आप बताते जाना मैं लिखता जाऊंगा, आपको आता है? कैसे आता है? देखो शेयर करने से पहले की एनर्जी निकाल लेना और माइनस में शेयर करने के बाद की एनर्जी निकाल लेना, और माइनस करने से क्या आ जाएगा एनर्जी लॉस आ जाएगा। कैसे? एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? ये एनर्जी का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो लेट ई वन इज द फॉर्मूले आपके याद हो गए, मैंने कह दिया था ईवन इज एनर्जी बिफोर सेल, पहले भाई एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर है ना, तो फिर पहले कितनी हो जाएगी, दिस इज हाफ, सी कितना है सी वन और वी कितना है वी वन का स्क्वायर। अरे बात समझ में आई कि नहीं? अब तक शेयर नहीं किया है, हम पहले वाली एनर्जी निकाल लेंगे, तब तक आपने कनेक्शन नहीं किया, और फिर कनेक्शन होने के बाद वाली निकाल देंगे और माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा प्लस। तो पहले की एनर्जी कितनी होगी, दूसरे की कितनी होगी प्लस हाफ, कैपेसिटी कितनी है सी टू वी टू का स्क्वायर। ये तो आ गया आपकी एनर्जी बिफोर शेयरिंग, एनर्जी आफ्टर शेयरिंग ई टू, बोलो क्या आ जाएगा भाई? आफ्टर शेयरिंग के बाद पोटेंशियल होगा v, कॉमन पोटेंशियल, और एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी दिस इज हाफ ए सी वन प्लस सी टू, और पोटेंशियल तो v हो गया ना v का स्क्वायर। हम लोग कि नहीं बड़ा इजी है, अरे ये बात बताओ अलग अलग निकालो तो भी पर कनेक्शन के बाद कॉमन पोटेंशियल भी होगा, तो इसकी एनर्जी होगी पहले की हाफ ए सी वन वी का स्क्वायर प्लस दूसरे की हाफ सी टू वी का स्क्वायर, के ऊपर से भी हो चुका है दोनों का, और वी स्क्वायर क्या आ गया दोनों में कॉमन, हाफ वी कॉमन हो गया ठीक। अच्छा ये वी क्या है? कॉमन पोटेंशियल, ये नहीं कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ रहा है रख दो दी क्या है दिस इज हाफ सी वन प्लस सी और इनटू में वी का स्क्वायर, यानी C1V1 plus C2V2 divided by C1 plus C2 का इस सारे का स्क्वायर, क्योंकि V का स्क्वायर है यहाँ पर, क्लियर है ना? ये कॉमन पोटेंशियल भी आ गई क्यों? अब क्या करना है? ये तो एनर्जी बिफोर शेयरिंग, ये आफ्टर शेयरिंग, दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो, एनर्जी लॉस आ जाएगा आपका E। E क्या हो गया भाई? E is equal to E1 minus E2. E1 की वैल्यू here is equal. This is half C1 V1 का स्क्वायर plus half C2 V2 का स्क्वायर और माइनस में ये वाला सारा। बोलो क्या आएगा? This is half C1 plus C2 और ये ब्रेक कट एज इट इज C1 V1 plus C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस। अच्छा एक काम और कर लेना, यही कर दो। देखो भाई
ये सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर नीचे और ये क्या खाली सी वन प्लस सी टू क्या हो जाएगा ये टर्म कैंसिल हो जाएगी लेकिन नीचे सी वन सी टू बन जाएगा ये तो स्क्वायर है ना तो नीचे तो सी वन सी टू का स्क्वायर है और ऊपर खाली सी वन सी टू है तो एक टर्म कैंसिल हो गया क्या बन जाएगा हाफ है ना ये तो कैंसिल हो चुका है यहाँ बच गया सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू इसका तो स्क्वायर ही बच गया ऊपर और नीचे खाली क्या बच गया सी वन प्लस सी टू समझ गए वो सिंपल स्टेप है भाई होल स्क्वायर था तो ये एक स्क्वायर नीचे वाले का कट गया ये बच गया ऊपर वाले का बस बात अब कैसे करते हैं सॉल्व इसको पर वो बड़ा इजी है 8th क्लास का बच्चा भी कर देगा सही है माइनस करना है एलसीएम लेके जैसे एलसीएम बताओ एलसीएम क्या आएगा देखो भाई इसके नीचे तो 1/2 है ठीक है तो चाहे इस 1/2 को आप कॉमन मान लो या एलसीएम मान लो ठीक है और नीचे का इसके तो है नहीं कुछ इसके है सी वन प्लस है सी टू ठीक होगा भाई अब इसका इस यहाँ देखो टू तो है सी वन प्लस सी वन पी वन लेकिन इसके नीचे सी वन प्लस सी टू तो नहीं है ना तो क्या बनी है मल्टीप्लाई होगी सी वन प्लस सी टू से अब बात समझ आ रही है तो सीधा लिख लो जी सी वन वी वन का स्क्वायर क्लियर और इनटू में सी वन प्लस हो गया इसका आगे चलो ये प्लस टू तो है ये ही नहीं है सी वन प्लस सी टू मल्टीप्लाई कर दो इससे सीधा उठा के सी टू वी टू का स्क्वायर और इन टू में सी वन प्लस सी आगे चलो माइनस वन बाई टू है ये नीचे वाला भी है इस तो खाली ये ही आएगा इसे सी वन वी वन है प्लस सी टू वी टू का होल बड़ा इजी है कोई दिक्कत नहीं ER आ गया तो E is equal to देखो भाई पहले तो C1 की मल्टीप्लाई होगी इससे और फिर किसकी होगी C2 सॉल्व करते बड़ा इजी है बहुत क्या छोटी क्लासों में आपने ये आ गया आपका E is equal to पहले तो C1 की होगी तो देखो भाई ये बन गया C1 पहले है C1 की मल्टीप्लाई C1 का स्क्वायर और V1 का भी स्क्वायर है ही पहले ये किससे मल्टीप्लाई होगी C2 से इसकी इस पूरे की ये हो गया प्लस प्लस है तो सी वन सी वन तो ये और सी टू ये और वी वन का ये इसका तो हो सकता है सर अब इसका तो ऐसे प्लस देखो भाई सी टू पहले तो सी वन से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा सी वन सी टू वी टू का स्क्वायर सी वन सी टू वी टू का स्क्वायर अब सी टू से मल्टीप्लाई तो ये सी टू पहले ही है क्या आ जाएगा प्लस सी टू का स्क्वायर और v2 का ये भी हो चुका माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर सबको आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a ठीक है ये यहां पर माइनस है ये कोई बात नहीं हम ब्रैकेट लगा लेना नहीं तो आप गलती कर दोगे या ब्रैकेट लगाओ ये माइनस यहां रखने में a स्क्वायर यानी c1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर ठीक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इनकी मल्टीप्लाई c1 c2 v1 v2 2 c1 c2 v1 v2 हो गया और डिवाइड बाय ये पूरे का पूरा एलसीएम जो चल रहा है 2 c1 प्लस क्लियर है बड़ा ही थी अब ये माइनस अंदर जाएगी तो ये तीनों टर्म किसकी हो जाएंगी माइनस की हो जाएंगी तो मैं यहां से माइनस अंदर लेके जा रहा हूं ये माइनस ये भी माइनस और ये भी देखो भाई c1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस का c1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर माइनस का c2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस का c2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस का ठीक है जी और क्या बच गया आपका यहां से c1 c2 को माना है तीन क्रम बच की एक दो और तीन तीनों के अंदर C1 C2 कॉमन है यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी ले लो कॉमन क्या करी यहाँ से C1 C2 कॉमन ले लिया C1 C2 तो क्या गया कॉमन क्या बच गया V1 का स्क्वायर प्लस इस टर्म में से क्या बच गया V2 का स्क्वायर ये कॉमन है
और उसमें से क्या बच गया माइनस टू सी वन सी टू आ गया थ्री वन डी डिवाइड बाय क्या है टू सी वन प्लस क्लियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इन ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इन तो ई क्या बन गया आपका ई हो गया ये सी वन सी टू कॉमन है बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर बी वन माइनस बी टू का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय टू सी वन प्लस आपका टॉपिक कंप्लीट दिस इज एनर्जी लॉस दिस इज एनर्जी लॉस इन सी ठीक है बड़ा इजी टॉपिक है भाई एनर्जी का फार्मूला रिपीट कर क्या आप सी से एनर्जी बिफोर शेयरिंग का ली एनर्जी आफ्टर शेयरिंग का ली माइनस कर दिया एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेके बड़े सिंपल स्टेप से आता है आंसर ठीक है हाँ अब एक बार बताओ किसी बच्चे को एनर्जी स्टोर का ही फार्मूला याद नहीं है तो कैसे निकालेगा नहीं निकाल पाएगा ना ठीक है चलो तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है नेक्स्ट